वेलकम टू माय चैनल किचन टू टेबल विद नीतू। आप सबका स्वागत है। आज की रेसिपी हम एक स्नैक्स या ब्रेकफास्ट रेसिपी बोल सकते हैं, वेजिटेबल सैंडविच, जिसमें हम मेयोनीज बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन मेयोनीज का इफ़ेक्ट ज़रूर दिखेगा। रेसिपी शुरू करते हैं, पहले इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल है, ये सबके घर में अवेलेबल होगा। जैसे कि मैंने एक छोटा सा खीरा ले लिया है, आप हाफ कैप्सिकम ले ले, एक ऑनियन ले ले, एक टोमेटो ले ले, एक हरी मिर्च ले ले और सबको फाइनली चॉप्ड करें। और दही मैंने लिया है, यहाँ पे दही जो है मेयोनीज का काम करेगा, बट दही को छानना बहुत ज़रूरी है ताकि सारा पानी निकल जाए, नहीं तो आपका जो सैंडविच का जो कंटेंट बनेगा वो गीला गीला रहेगा। और ब्रेड, यहाँ मल्टीग्रेन यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी सैंडविच ब्रेड या ब्राउन ब्रेड भी कर सकते हैं। और मसालों में सिर्फ नमक और चाट मसाला, और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने इसे फाइनली चॉप कर लिया है, अब इसमें मैं थोड़ा सा कर्ड मिक्स करूँगी। आपको ये कर्ड का क्वांटिटी थोड़ा देखना पड़ेगा कि कितनी ज़रूरत है, और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च ना डालें, क्योंकि जनरली वो प्रेफर नहीं करते। देखिए बिल्कुल मेयोनीज ही लगेगा। और एक टिप है कि इसे टोस्टर में कभी ना बनाएं, कोई टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि जनरली हम लोग टोस्टर में ग्रिल सैंडविच ये सब बनाते हैं। उसकी भी एक रेसिपी है, मैं एक पनीर सैंडविच बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल और उतना ही टेस्ट। देखिए अब मैं, याद रखिएगा कि चाट मसाले में भी नमक रहता है, तो नमक को ध्यान से डालना है, हमेशा कम से शुरू करें और एक बार टेस्ट करें और लगे कि और चाहिए और जब आप ये सब कर रहे हैं तवा रख दीजिए गैस पे ताकि वो अच्छे से गर्म हो। और ये पर्टिकुलरली जो रेसिपी है, जैसे मैं दिखा रही हूँ आप वैसे ही ट्राई कीजिएगा। कोरिएंडर लीव्स, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बिलीव करिए। तो मेरा सैंडविच का मसाला रेडी हो गया है। देखिए घर के इंग्रेडिएंट्स, कुछ नया नहीं चाहिए बाहर से, और ये हेल्दी भी है और इसको खाने में कोई गिल्ट नहीं होगा। ये देखिए आप इसे ऐसे ही स्प्रेड करें, एक ब्रेड के ऊपर लीजिए। और ये थोड़ा सा जल्दी बनाना होता है क्योंकि नमक जैसे ही डालते हैं हम लोग तो थोड़ा पानी छोड़ने लगता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आप जब बनाएं तभी नमक और प्रोसेस स्टार्ट करें बस। और तवा में मैंने पहले से घी रखा है, इसको अच्छे से दोनों एजेस क्रिस्प करना है। ये देखिए एक साइड जब हो जाए तो इसे धीरे से पलटिए। तो यहाँ पर आप घी की जगह ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं, बट मैं ज़्यादातर घी यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत हेल्दी होता है और घर का भी है। और थोड़ा सा यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेसिपी में आपको घी थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है, एजेस थोड़े क्रिस्प करने हैं। ये चीज़ टोस्टर में नहीं हो पाएगा, तो आप इसको ऐसे कीजिएगा तो आप जब खाएंगे ना तो एक क्रंच आता है। तो थोड़ा टाइम टेकिंग है क्योंकि तवा बड़ा है, तो मैं चाहूँ तो दो भी एक साथ बना सकती हूँ, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए अच्छे से ताकि आपको समझ में आए। और ये घी बटर ऑयल ये अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, कम ज़्यादा जैसा आपको सही लगे, बट बिलीव कीजिए बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी है और आराम से बन सकती है और कोई भी बना सकता है। जब ब्रेड इस कलर में आ जाए तो आप इसे निकाल लें और प्लेट में रख लें। ये देखिए हमारा सैंडविच बिल्कुल रेडी है, इसे टोमेटो सॉस के साथ खाएं और मुझे बताइए ज़रूर कि कैसा लगा आपको। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।